बेल आइकन बटन इफ यू लव द वीडियो डू सब्सक्राइब। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करना है ताकि आप मेरी आपको न्यू आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने बर्गर बनाया और जो भी काम किए, कुकिंग का आज भी लोग है मेरा, तो इसमें आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और बर्गर मैंने कैसे बनाया, बर्गर रेसिपी जो है मैं साथ आपको बता दूंगी। लेकिन ये जो है रोस्ट करने के लिए जो है इसकी रेसिपी आपको मेरी जो है वीडियो पे मिल जाएगी, चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक मैं लगा दूँगी वीडियो अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये सबसे पहले मैंने जो है ना दही और थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए ना इसमें काली मिर्च और सोया सॉस, चिली सॉस और मिर्चें वगैरह लगा कर और मैंने इसको रख लिया था तकरीबन 5-6 घंटे के लिए ना। फिर उसके बाद जो है मैंने ये इसको फ्राई किया था। इसकी रेसिपी अब आप लोगों को मेरी जो है बाकायदा मैंने वीडियो बनाकर भी डाली हुई चैनल पर, उधर से मिल जाएगी। अच्छा, जो इधर जो है ये फिर मैंने दही जग लगाया था और दूध गर्म करके, तो फिर गरम गरम दूध में ही सही लग जाता है। अच्छा, ये हॉटपॉट में ना इसमें कीड़ियाँ आजकल बड़ा मौसम ऐसा सही हो रहा है ना तो उसमें चढ़ जाती थी, तो फिर थोड़ा सा ऊंचा लिया है कोई बाउल ना, इसमें कीड़ियाँ नहीं चढ़ती ना, वो बारीक बारीक से जो आजकल चल रही है ना वो बहुत निकल रही है ना, बरसात का मौसम है ना तो उसमें ये निकलती हैं ज़रूर। अच्छा, इधर जो है ये मैंने दाल बनाने के लिए रख रही थी, मैंने नमक मिर्चें हल्दी और प्याज लहसुन डालकर मैंने इसको दाल बनाने के लिए रखी थी। और इधर जो है ये असद जो है ये क्लिप मेरे से पहले लग गया, तो इसमें मायोनीज लगा रहा था बर्गर ब्रेड पे, तो इसको मैंने असद को कहा कि आप ये काम करो, मैं इतने जो है ना रोस्ट करती हूँ ना। इधर ये मैरिनेट हो गया था तो फिर इसको मैंने रोस्ट करने के लिए, फिर ये रोस्ट बाज़ार से मिल जाता है इजीली जो है ना, ये आप किसी भी शॉप से मिल जाएगा ना। इसको आप, ये नहीं है कि आप बेसन मिक्स करें या मैदा मिक्स करें, ये ऑलरेडी इसमें तमाम चीज़ें मिक्सअप होती हैं ना, तो इसको आप लोगों ने ऐसे मैरिनेट करके रख देना है। और फिर उसके बाद इसको आपने इसमें हल्का सा खुशक जो है ये मसाला ये लगा कर और पानी में हल्का सा डिप करना है, और फिर उसके बाद फिर दोबारा से इसको करना है। 2-3 मरतबा ऐसे कोटिंग कर लेंगे ना आप लोग तो ये देखिएगा कि इसमें कितना अच्छा फ्राई होता है ना, और उस पर से मसाला नहीं उतरेगा ना। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था। आज आप शाम के वक्त जो है ना, बच्चों ने कहा था कि हम ब्रेड तो ले आए थे, बच्चों ने पहले से फरमाइश की हुई थी कि हमने पिज़्ज़ा, हमने बर्गर खाना है मामा, तो अच्छा ये जो है फिर मैंने इसको पहले से मैरिनेट कर दिया था, ये कल ले आए थे, तो फिर चिकन मैंने मसाला लगा के रख लिया था ना इसको, कि बच्चों ने कहा होगा तो साथ शाम की चाय के साथ ये बर्गर बनाए मैंने। और आपको पता ही है कि इन चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो फिर पहले ही मैंने बना के तैयार करके रख लिया था। बस ये बस फ्राई करने थे, बाबा इनके ऑफिस से आई हैं तो फिर बस मैंने फ्राई किए ना इनको। अच्छा, बड़े क्रिस्पी मज़े के और हाली भी आप दही के साथ इसको खा सकते हैं। ऐसे मैंने बर्गर के लिए तैयार किए थे ये पीस, तो ये अब देखें बिल्कुल अच्छी सी स्टीम देनी है, पहले स्टीम देकर आप लोगों ने फिर इसको पलटना है ताकि इसका मसाला जो है ना इस पर से ना उतरे। मैंने फिर ये जो है इसको रोस्ट कर लिया था ऐसे, और फिर उसके बाद जो है बर्गर पे रख दिया था इसको। बहुत जो है टाइम तो लगता है लेकिन ईजी रेसिपी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें आप कुछ स्पेशल किस्म के इसमें आप मसाले डालेंगे, तो ये है कि अच्छा। तो ये इधर से मैंने हल्का सा इसको घी डाल कर तवे पे और इसको रोस्ट कर लिया था थोड़ा सा पिज़्ज़ा ब्रेड को, पिज़्ज़ा ब्रेड के सॉरी बर्गर ब्रेड को, और इसको इस पर पहले का है बात का है तो वो पहले लगे हैं, तो यहाँ पे ये मैंने रोस्ट कर लिए थे और अच्छा सा मैंने फ्राई किए हैं। इस पर मैंने अच्छा इस पर ना मैंने सलाद के पत्ते नहीं रखे, वो बाज़ार से मिल ही रहे थे, थोड़ा शाम का वक्त ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर भेजा भी सब्जी वाली की दुकान पर हो सकते हमारी मिल गई। तो फिर मैंने प्याज, टमाटर, मायोनीज और शामी भी थे रखे हुए फ्राई, लेकिन वो जो है ना मुझे बाद में याद आया कि शामी से फ्राई करके वैसे तो ऐसा नहीं खाता है शामी ज़्यादा, तो फिर मैंने ये चिकन ही रोस्ट किया और उस पर मैंने केचप लगा कर और फिर इसको बर्गर बना रहा था, तो ये बहुत टेस्टी बहुत मज़े के बन गए थे और बिल्कुल जो है बाज़ार से बर्गर खाते थे बिल्कुल टेस्ट आता, बहुत टेस्टी बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़े के बन गए थे। अच्छा, ये जो है तैयार था बर्गर और यहाँ पे ये सारा बर्गर पार्टी हो रही है, सब बच्चों ने मज़े से खाया। अच्छा मैंने अच्छा यहाँ पे फिर मैंने एंड पे जो है मेरे बर्गर खाने की बारी थी, फिर मैंने चाय और बर्गर से मज़े से और इन्जॉय किया।
अच्छा इधर जो है ये फिर ये कल की वीडियो है दोपहर के वक्त ही। अच्छा दाल की शेप मैंने नहीं आपको दिखाई थी बनी हुई कैसी बनी है। तो दोपहर में ऐसा था स्कूल से आया तो फिर उसने कहा मुझे पराठे बना कर दो, तो फिर मैंने दाल के साथ, आपको पता है बच्चे ज़रा थोड़ा सा मूड बनाते हैं दाल खाते हुए उनको ऐसे लगता है कांटे चुभ रहे अंदर तो गले हलक में, तो फिर उसने मुझे कहा कि पराठे के साथ मैं दाल खाऊंगा, तो फिर मैंने इसको पराठा बना कर दिया। असद ने स्कूल से आकर पराठा खाया, फिर मैंने कहा अकेला असद के लिए क्या बनाऊँ, फिर बाकी तीनों के लिए भी, माही माम के लिए भी और हरीम के लिए भी बना दिए थे पराठे। तो फिर बस ये इतना सा आज मेरा ब्लॉग था, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।